Alright, so guys, मेरा नाम है वेंकी एंड स्वागत है आप सबका एक और Roblox वीडियो में। गाइस आज हम फिर से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Big City Tycoon। Alright, okay guys, यहाँ भाई अचीवमेंट आ गई है वेंकी जी, thanks for playing first time, okay। Alright guys, so यहाँ पे भाई हमारा Big City Tycoon शुरू हो चुका है, देखते गाइस कैसा होता है। इसमें लगता है हमें बड़ी सी बिग सिटी शायद बनानी होगी। सो गाइस मैं भाई आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि आज हम क्या क्या करेंगे। एक्चुअली में गाइस हम भाई शुरुआत एक नींबू पानी के ठेले से करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं है। बट गाइस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि हम एक सिटी में बड़ी सी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे एक बड़ा सा घर खरीद सके। तो गाइस बीच में हम क्या क्या करेंगे उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 10 ही मिनट का वीडियो है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑलराइट सो गाइस यहां पे आ चुका है हमारा वेंकी हाउस एंड यहां पे बाय स्टार्टर हाउस, ओके, जो कि फ्री का है। ओके चलो गाइस यहां पे हमारा बेस बन गया है। यहां पे क्या है, बाय लेमोनेड स्टैंड, ओके लेमोनेड स्टैंड बाय कर लिया, बाय लेमन ड्रॉपर, ओके मेरे पास अभी पैसे नहीं है गाइस, अभी 10 रुपए 20 रुपए मेरे पास। So, अभी मेरे पास ऑलमोस्ट भाई 100 रुपए हो गए, तो यहाँ पे बाय लेमन ड्रॉपर, लेट्स गो। ऑल राइट बाय लेमन ड्रॉपर 350, चलो गाइस जल्दी भाई, चलो गाइस यहाँ पे 350 हो गया, बाय लेमन ड्रॉपर। ऑल राइट ओके गाइस यहाँ हमारे 870 हो गए, ये भी करते हैं बाय ऑर्गेनिक लेमन। अब लगता है गाइस हमारा रेवेन्यू बहुत तेज होने वाला है। गाइस अब मैंने अपना पूरा एक बिजनेस को फुली अपग्रेड कर लिया जो कि लेमोनेड स्टैंड है, मतलब नींबू पानी का स्टैंड। गर्मी है, गर्मी में वैसे भी नींबू पानी पीना चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ पे हमारा, अब देखो कितना जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठा हो रहे हैं। अभी देखो 10-10 होते थे, अब देखो हर लेमन के 50 मिल रहे मेरे हिसाब से, 40-50 ऐसा कुछ। एनीवे गाइस हमारा एक बिजनेस बन गया, अब हमारे घर को अपग्रेड करने की बारी है। एक्सटेंड फ्लोर, बाय वॉल्स, बाय वॉल्स, बाय वॉलपेपर, बाय वॉल्स, बाय रूफ। ऑलराइट रूफ हमने बाय कर ली, बाय लाइटिंग, बाय किचन कैबिनेट्स, बाय अ फ्रिज, बाय डाइनिंग टेबल, बाय एन ओवन। वो गाइस यहाँ पे सब कुछ मैं लगाया था, बाय रूम फर्नीचर, बाय डेकोरेशंस। ऑलराइट बाय डेकोरेशंस, बाय बैकस्प्लैश, बाय डेकोरेशंस, बाय प्लंबिंग और बाय डेकोरेशंस। चलो गाइस हमारा बाथरूम भी ऑलरेडी हो गया है और बाय डोर, चलो भाई दरवाजा तो होना ही चाहिए घर में। ऑलराइट गाइस मुझे लगता है मैंने अपने घर का सब कुछ अंदर लगा दिया है। बाहर आते हो, बाय डोर्स, बाय प्लांट्स, बाय गैरेज फाउंडेशन, बाय गैरेज वॉल्स, बाय गैरेज रूफ, बाय गैरेज सप्लाइज, ऑलराइट बाय गैरेज लाइटिंग। ऑलराइट गाइस अभी तक मैंने भाई अपने लेमोनेड स्टैंड से भाई देखो एक बड़ा सा घर बना लिया है और एक गैरेज बना लिया है। और ये गाइस हमारे सामने वाला, इसका भी भाई नींबू का ठेला लगा हुआ है। गाइस इसकी अभी नेटवर्थ है 126 और मेरी नेटवर्थ है 8K। कोई बात नहीं, तुझे भाई मैं पछाड़ दूंगा, समझा। चलो गाइस हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए, हमने बिजनेस खोला है ना, दोनों भाई नींबू का, ये भी नींबू का ठेला लगा रहा है, तो इससे भाई हमें आगे निकलना है, वेंकीज हाउस है हम। चलो ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे हमारा लेमोनेड स्टैंड भाई लगा हुआ है, उससे हमने भाई एक अब तक घर बना लिया विद गैरेज और गार्डन, जो कि काफी सही बात है। और एक सेकंड गाइस मुझे भाई यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन में, देखो हमने गाइस यहाँ पे स्टार्टर हाउस तो बना लिया है, अब गाइस एक पिज्जा शॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो टेलीपोर्ट करके देखते हैं। ऑल राइट लेट्स गो, एक सेकेंड ये क्या है, बाय अ पिज्जा शॉप फाउंडेशन, ओके गाइस मेरे पास अभी 3000 रुपए है, तो 1000 रुपए में पिज्जा शॉप फाउंडेशन खोलते हैं। बाय वॉल्स, बाय वॉल्स, बाय वॉल्स, बाय वॉल्स। ऑल राइट गाइस, सो मुझे लगता है अब हम यहाँ पे अपना पिज्जा शॉप एक खोलेंगे शहर में बढ़िया सा, और पिज्जा से भाई काफी ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है। भाई लेमोनेड से मैंने घर बना लिया तो पिज्जा से तो भाई मैं बंगलो बना लूंगा। एनीवे बाय चेकआउट काउंटर, ओके। ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे भाई मैंने अपना पिज्जा बना लिया, देखो यहाँ पे पिज्जा बन के आते हैं यहाँ तक, चलो बाय काउंटर। ऑल राइट गाइस यहाँ पे 3500 रुपए हो गए, तो जल्दी से एक और पिज्जा ओवन खरीदते हैं। चलो ऑल राइट गाइस हमने भाई यहाँ पे लगा दिए 2-2 पिज्जा ओवन, और अब देखो भाई कितना जल्दी जल्दी पिज्जा बन रहा है। अब गाइस हमारे पास पैसे आ रहे पीछे से बैकअप में, तो यहाँ पे गाइस अब मैं अपनी पिज्जा शॉप को अपग्रेड करने पे ध्यान लगा सकता हूँ। तो बाय पेंटिंग्स, और ये क्या है, बाय वॉल ट्रिम, ओके, और ये क्या है, बाय टेबल सीटिंग, हाँ भाई टेबल लगा देंगे तो कस्टमर्स भी आएंगे। बाय कारपेट, बाय बूथ सीटिंग, तो यहाँ पे क्या है, बाय टेबल, बाय बूथ सीटिंग, ओके चलो। ओके गाइस भाई सीट्स तो बहुत सही लगाती, पिज्जा भी हमारा बढ़िया तरीके से बन रहा है, बस कस्टमर्स यार थोड़े से आ जाए ना तो बहुत सही रहेगा। मैं देखता हूँ भाई बाहर में और क्या लगा सकता हूँ जिससे कस्टमर्स आ जाए हमारे उसमें। तो बाय डोर,
चलो गाइस डोर बाय कर लेते हैं, बाय पिज्जा साइन, ओके। ऑल राइट गाइस, हमारी पिज्जा शॉप का भाई बेसिक बेसिक सब तैयार हो गया है, मतलब यहाँ पे पिज्जा है, दरवाजा जाओ अंदर, बैठने की स्पेस है और पिज्जा हमारा बन रहा है, काफी बढ़िया। एंड सिंस गाइस यहाँ पे हमारे पिज्जा शॉप का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से रेडी हो चुका था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिज्जा शॉप को और एक्सपैंड कर दूँ, तो यहाँ पे गाइस मैंने एक सेकंड फ्लोर परचेज कर लिया। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने पिज्जा को ऊपर वाले फ्लोर पे बनाऊंगा एंड नीचे वाले फ्लोर पे सेल करूंगा, लेट्स सी। ऑलराइट चलो गाइस ये देखो, यहाँ से आता है डो, फिर इसके अंदर आता है सॉस और इसके अंदर से आती है टॉपिंग्स, और टॉपिंग्स भी गाइस एक तरह की नहीं, अलग अलग तरह की, जो कि काफी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मैंने अपने पिज्जा बिजनेस को भी एकदम फुल्ली एस्टैब्लिश कर लिया है गाइस, अब मुझे लगता है मुझे और कुछ अपग्रेड करने के बचा है, मतलब ऊपर गाइस हमारे पिज्जा बन रहे और नीचे हमारे पिज्जा सेल हो रहे, और यहाँ पे भाई कस्टमर्स भी हमारे आ रहे काफी बढ़िया तरीके से, जिसको अंदर बैठे अंदर बैठे, जिसको बाहर बैठना है बाहर बैठे, उसकी मर्जी। और एक सेकेंड गाइस ये क्या है, बाय रूफ साइन, ओके। ऑलराइट गाइस, सो हमारा पिज्जा शॉप कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा सही है, हमने भाई बहुत कम टाइम में इतनी सारी चीजें कर ली, दो फ्लोर का हमारा पिज्जा शॉप है, ऊपर पिज्जा हमारे बनते हैं और नीचे सेल होते हैं, और सिटिंग स्पेस भी खूब सारी है, मतलब कस्टमर्स आते रहेंगे, काफी बढ़िया। एनीवे गाइस हमारे अभी तक एक लेमोनेड स्टैंड बन गया हमारा, पिज्जा शॉप हमारी पूरी बन चुकी है, अब गाइस दो चीजें और अनलॉक हो चुकी है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट और एक सब अर्बन हाउस, तो यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट को फुली फिनिश कर देते चलो। सो अभी भाई मैं आया हुआ स्टूडियो अपार्टमेंट पे, तो लेट्स सी इसमें हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, तो लेट्स सी, बाय स्टूडियो अपार्टमेंट, ओके ओके गाइस मैंने बाय किया है और मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो ऊपर है फ्लोर पे, तो लेट्स सी। वाओ ऑलराइट भाई काफी ज्यादा तेज लिफ्टी, बाय फ्लोर, बाय वॉल्स, बाय बैकस्प्लैश, बाय आइलैंड सिटिंग, बाय किचन कैबिनेट्स, बाय ओवन, ओके गाइस हमारे यहाँ पे किचन बन चुका है, बाय प्लम्बिंग, ऑलराइट गाइस यहाँ पे मैं बाथरूम बन चुका है, बाय लाइटनिंग, चलो और ये क्या, बाय स्टोरेज, चलो। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे भाई मुझे दिखाई दे बाय मनी ड्रॉपर, ओके बाय मनी ड्रॉपर उसको अपग्रेड कर सकते हैं गाइस, ये देखो यहाँ पे मेरे पास पैसे आ रहे क्या, बाय मनी ड्रॉपर, ओके वो गाइस ये देखो भाई यहाँ से भाई पता नहीं कहाँ से आ रहे पैसे, पैसे आ रहे हो वो इस तिजोरी में इकट्ठा हो रहे, मतलब ये सारे पैसे हमारे ही है। ऑलराइट गाइस मतलब फ्री के पैसे ऐसा पता नहीं क्या, वो सब छोड़ो गाइस यहाँ पे क्या, बाय डेकोरेशंस, अब भाई मैं अपने घर को अपग्रेड करने फोकस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पैसे आते ही जा रहे हैं पता नहीं क्या है। बाय बेडरूम वॉलपेपर, ओके बाय बेडरूम फर्नीचर, बाय लाइटनिंग, बाय डेकोरेशंस। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम को तो बना लिया अपने स्टूडियो में, मतलब मैं यहाँ पे रह सकता हूँ आराम से, बेड लगा दिया है, शीशे लगा दिए, फर्नीचर लगा दिया है, पेड़ लगा दिया है, लाइट लगा दिया है, पंखा लगा दिया है, और क्या चाहिए, दरवाजा लगाना था, बाय डोर्स। ऑलराइट गाइस, सो हमारा बेडरूम भाई फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, अब गाइस जो मेन हॉल है ना उसको भाई मुझे अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे क्या है, बाय लिविंग रूम फर्नीचर, ओके बाय डाइनिंग टेबल, ओके बाय फ्रिज, ऑलराइट ऑलराइट बाय डेकोरेशंस। ऑलराइट गाइस, सो मैंने भाई यहाँ पे अपने स्टूडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा है मेरा, तो यहाँ पे गाइस बाथरूम है, ये इसमें तो कुछ खास नहीं है दिखाने को, वो सब छोड़ो गाइस, यहाँ पे ये मेरा बेडरूम है, इसमें मैं रहता हूँ, और यहाँ पे गाइस पूरा फर्नीचर सब कुछ लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, और क्या। एनीवे गाइस यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे हॉल को अपना पूरा सजा दिया है, यहाँ पे गाइस सोफा, यहाँ पे टीवी, कारपेट, फैन, सब कुछ जो कि एक घर में होता है, और यहाँ पे गाइस मेरा ओपन किचन है, मतलब ज्यादा कवर मैंने रखा नहीं, यहाँ पे गाइस ओवन रखा हुआ है, यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल मैंने लगा दी है, मतलब एक बेसिक बढ़िया स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसा। और ये स्टूडियो भाई कोई ग्राउंड फ्लोर पे तो है नहीं, ये है इस बिल्डिंग में, जो कि काफी ज्यादा बड़ी सी है, इससे तो छोटी है लेकिन बड़ी है, बड़ी तो है गाइस। चलो एनीवे गाइस, तो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट भी फिलहाल एकदम बढ़िया हो गया है, और अब गाइस देखते हैं भाई टास्क लिस्ट में और क्या क्या आ गया है। सब अर्बन हाउस, तो टेलीपोर्ट करते हैं, देखते क्या है। ऑलराइट वाओ ऑलराइट गाइस, सो सब अर्बन हाउस भाई कुछ ऐसा मेरा दिखने वाला है, मतलब अभी तक मैंने बनाया तो नहीं है भाई, मैं सोच रहा हूँ ये नेक्स्ट पार्ट में बताते, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी भाई दो घर बना लिए भाई, सबसे पहला घर तो बना लिया था, उसके बाद गाइस हमने पिज्जा शॉप बनाई, और फिर गाइस हमने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बाय कर लिया, उसको पूरा डेकोरेट कर दिया अंदर से, जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है। और अब गाइस हम भाई आगे और भी बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिजनेसेस बना सकते हैं इस गेम में,
क्योंकि इस गेम का नाम है बिग सिटी टाइकून, मतलब सब कुछ बिग बिग वो। भाई साहब गाइस मैं समझा रहा था और यहाँ पे भाई अपने आप पता नहीं कहाँ से घर आ गया, भूतिया घर। एनीवे गाइस हम भी भाई एक बहुत बढ़िया सा घर बनाएंगे, चिंता मत करो गाइस। ऑलरेडी आज हमने काफी काम कर लिया है, सबसे पहले तो हमने घर खरीदा, फिर एक लेमन बिजनेस एस्टेब्लिश किया जिसके कारण ही हम भाई एक पिज्जा शॉप को खोल सके, और उस पिज्जा शॉप के थ्रू हम भाई एक स्टूडियो अपार्टमेंट को परचेज कर चुके हैं। और अब गाइस बारी है ये बड़े बड़े बंगलोज और विला विला बाय करने के मेरे हिसाब से। लेट्स सी क्या क्या होता है इस गेम में। एनीवे गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे और कौन से रोब्लॉक्स गेम्स ट्राई करने चाहिए, एंड इसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे। एंड फॉर नाउ गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा नाम है वेंकी, बाय बाय।